इंडियन म्यूजियम यानी कि भारतीय संग्रहालय जो रुको जरा, सबर करो। हाँ, इंडियन म्यूजियम यानी कि भारतीय संग्रहालय जो कि सेंट्रल कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया में स्थित है। इसके स्थापना 2 फरवरी सन 1814 को हुआ था। तो ये रहा टिकट एंड क्लोक रूम। टिकट तो आप परचेस कर ही पाएंगे, साथ ही कोई हैवी एंड कॉस्टली सामान लेके आए हैं तो यहाँ पे रखवा सकते हैं। तो टिकट प्राइसिंग एंड टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप एंट्री टिकट है एंड सेकेंड टाइप फोटोग्राफी टिकट है। एंट्री टिकट 5 से 18 साल के बच्चों के लिए 20 रुपया है एंड 18+ यानी कि एडल्ट के लिए 50 रुपये का टिकट होने वाला है। और फॉरनर यानी कि विदेशी लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनके लिए एंट्री फी 500 रुपया होने वाला है। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो अलग से फोटोग्राफी टिकट परचेस करना होगा। तो मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी के लिए 50 रुपया है एंड DSLR फोटोग्राफी के लिए 100 रुपया है। अगर आप 18+ हैं और सोच रहे हैं कि 20 रुपये वाला चिल्ड्रेन टिकट से एंट्री ले लेंगे तो ऐसा नहीं है। एज कन्फर्मेशन के लिए आधार कार्ड मांगा जा सकता है, बट 5 से 12-14 साल के हैं तो एज कन्फर्मेशन आधार कार्ड यह सब का झंझट नहीं होने वाला है। देखेंगे समझ जाएगा कि बच्चा क्यूट है, मासूम है और चिल्ड्रेन टिकट आपको दे देगा। तो एंट्री करने के बाद मैं एकदम से बीचों बीच इंडियन म्यूजियम के कोर्टयार्ड में आ गया हूँ। तो देख सकते हैं ऊपर में है खुला आसमां और मैं चारों ओर इन बिल्डिंगों से घिरा हुआ हूँ जिसमें अलग अलग टाइप्स के गैलरीज हैं जो ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पर होने वाले हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहले मूर्तियों का कलेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि प्राचीन और मध्यकाल के हैं, यानी कि आज से लगभग 500 से 2500 साल के पुराने ये मूर्तियों का कलेक्शन हो सकता है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित भारतीय संग्रहालय भारत के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों में से एक है। यहाँ प्राचीन वस्तुओं, युद्ध सामग्री, गहने, कंकाल, ममी, जीवाश्म तथा मुगल चित्र आदि का दुर्लभ संग्रह है। इसकी स्थापना डॉक्टर नथानियल वालिक नाम के डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री ने सन 1814 में की थी। खैर मेरा भी यहाँ चिल्ड्रेन एंट्री टिकट से काम चल जाता, बट अडल्ट एंट्री टिकट परचेस करने के बाद यह पता चला तो अनजाने में 50 रुपये का अडल्ट एंट्री टिकट एंड 50 रुपये का मोबाइल फोटोग्राफी टिकट परचेस किया तो ओवरऑल 100 रुपये का टिकट हुआ इंडियन म्यूजियम में मुझे एंट्री करने के लिए एंड फोटोग्राफी करने के लिए। तो गाइस मोबाइल कैमरा टिकट जो कि 50 रुपये का था तो इस 50 रुपये को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से वसूलने में लग गया, तो इस 50 रुपये के चक्कर में मुझे 5000 रुपया देना पड़ गया। भाई, 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 भाई।
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो गाइस, म्यूजियम के अंदर सबसे पहले मैं तो 8-10 फोटो काटा, फिर वीडियो बनाने लगा, और वीडियो बनाते बनाते म्यूजियम गार्ड के पास पहुंच गया। अबे वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर रही है तू? नहीं सर, मोबाइल कैमरा टिकट है मेरे पास, इससे सिर्फ फोटो खींच सके है तू। ओह सॉरी सर, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अलग से टिकट है क्या? बता दीजिए, खरीद लेते हैं। कितना का है? 5,000 रुपया लगेंगे। क्या 5,000 रुपया का वीडियो रिकॉर्डिंग टिकट है? अरे नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग ना कर सके है तू, 5,000 जुर्माना लगेगा। तो गाइस, इतना सुनते ही मेरी सांसें थम गई। फिर मैंने कुछ दिमाग लगाया और बोला, सर हमको तो नहीं पता था, और ना ही कहीं हम लिखा हुआ देखें कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने पे 5,000 का जुर्माना है। हमको तो बस लगा मोबाइल यूज करना है तो 50 रुपया का टिकट है, DSLR यूज करना है तो 100 रुपया का टिकट है। तो फिर एंशियंट स्टैचू गैलरी के जो गार्ड थे उनके तरफ से जवाब आता है, ठीक है बट वीडियो रिकॉर्डिंग मत कीजिए, अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने भी कह दिया ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे उतना कुछ मसला नहीं होता है, एंड थैंक गॉड कि मैंने मोबाइल कैमरा टिकट ले लिया था, अदरवाइज फोटोग्राफी भी नहीं कर पाता। अगर आपके पास फोटोग्राफी टिकट नहीं है तो आप पैकेट से अपना फ़ोन भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कॉल वगैरह आता है तो लोग बाहर निकाल के बात भी करने लगते हैं, तो मना किया जाता है और जुर्माना वाला स्कीम की याद दिलाया जाता है। ग्राउंड फ्लोर पर फूड कैंटीन भी है, जिसमें आराम से बैठ के खाने के लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है। इस कैंटीन में जनरली रोटी, चावल, पनीर, अंडा, मछली, चिकन के डिश मिल जाएंगे, जो बजट प्राइस 40 से 110 रुपये में अवेलेबल है। द वर्ल्ड ऑफ इनवर्टेब्रेट्स, जिसका हिंदी में अर्थ हुआ अकसे रुकिए दुनिया, तो इस गैलरी में इनवर्टेब्रेट्स वर्ल्ड को फील कर पाएंगे, देख पाएंगे, इनके बारे में बहुत सारे आर्टिकल एंड फैक्ट्स लिखा हुआ है, वो सारा का सारा आप पढ़ पाएंगे। इनवर्टेब्रेट्स मीन्स एनिमल्स विदाउट बैकबोन और स्केलेटन, यानी कि वैसा जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो, वास्तविक कंकाल ना हो, तो ऐसा मेनली इंसेक्ट्स के ग्रुप में देखने को हमें मिलता है। जैसा कि देख लीजिए हमारे ही आसपास के इंसेक्ट्स, केकड़ा, बिच्छू, जोंक, केचुआ, घोंघा, मक्खी, मकड़ी एंड स्टारफिश, ऑक्टोपस, हाइड्रा और भी विभिन्न प्रकार के स्पंजेस एंड वॉर्म्स, ये सब एनिमल किंगडम के इनवर्टेब्रेट्स में आते हैं, जो कि पूरे एनिमल किंगडम का 90% है। बाकी के 10% में वर्टेब्रेट्स एनिमल आते हैं, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होता है। तो मेनली प्लांट्स किंगडम एंड एनिमल्स किंगडम होते हैं। तो एनिमल किंगडम को ही वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ओवरऑल देखें, इंसेक्ट्स, फिशेस, बर्ड्स, फ्रॉग, स्नेक, लिजार्ड, बैट, लायन, इवन ह्यूमन, ऑल आर एनिमल्स नॉट प्लांट्स। तो गाइस, इतना बताने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप एक काम कर सकते हैं, जस्ट गो एंड रीड द 3rd chapter ऑफ 9th बायोलॉजी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट सेक्शन में प्लांट किंगडम एंड सेकंड सेक्शन में एनिमल किंगडम के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो ये है मैमल्स गैलरी, जिसमें बहुत सारे मैमल्स का आर्टिफिशियल मॉडल एंड स्केलेटन स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। मैमल्स, जिसका हिंदी अर्थ स्तनधारी हुआ, ये अंडे नहीं डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये भी एनिमल किंगडम में ही आते हैं। मैमल्स वार्म ब्लडेड वर्टेब्रेट्स एनिमल होते हैं।
तो इस गैलरी में जो भी मैमल्स मॉडल मिलने वाले हैं उनके प्रजातियां तो आज है ही, साथ ही उनके विलुप्त प्रजातियों का भी कलेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। इस गैलरी में विभिन्न प्रजातियों के हिप्पोपोटामस, सीप, नीलगाय, बारासिंगा, एंटीलोप, डियर, बियर, लायन, टाइगर, हाइना, वुल्फ, एलिफेंट, मंकी, चिंपांजी, राइनोसोरस, जेब्रा, याक, वाइलस, डॉल्फिन, वालरस और भी बहुत सारे मैमल्स मॉडल हैं जिनका नेम मैं खुद ही नहीं जानता। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डियर, सीप, बफेलो के हॉर्न एंड स्कल स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाता है। स्केलेटन ऑफ एलिफेंट, जिराफ, राइनोसेरस, हिप्पोपोटामस, कैमल, अर्ली मैन टू मॉडर्न मैन, टाइगर, ब्राउन बियर, स्ट्रिपेड हाइना, बार्किंग डियर और भी कुछ मैमल्स के स्केलेटन हैं जिनका नाम मैं खुद ही नहीं जानता। जूलॉजिकल इकोसिस्टम गैलरी, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गैलरी होने वाला है। इसमें जूलॉजिकल इकोसिस्टम का आर्टिफिशियल मॉडल देखने को मिल जाता है जिसके वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम को समझ पाना काफ़ी आसान बना देता है। बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया को 10 जोन में डिवाइड किया जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जोन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिवाइड किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी पर्टिकुलर जोन में पर्टिकुलर पेड़ पौधा जीव जंतु ही सर्वाइव कर पाएंगे जो इस जोन के क्लाइमेट से ऑलरेडी अडेप्टेड है। ऐसा तो नहीं होगा कि कैमल को मन करेगा कि रेगिस्तान छोड़ के आज बर्फीले क्षेत्र हिमालय जोन में जाकर थोड़ा आइस स्केटिंग करके आते हैं, और उधर पोलर बियर का मन करेगा कि बर्फीले क्षेत्र छोड़ आज राजस्थान के रेगिस्तानों पे जाकर समर वेकेशन मना के आते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ऐसा संभव नहीं है, दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मारे जाएंगे। अब जोन तो काफी बड़ा क्षेत्रों में फैला है, तो किसी भी जोन में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर अलग प्रकार का इकोसिस्टम हो सकता है अकॉर्डिंग टू यहाँ के जल, मिट्टी, जीव जंतु, पेड़ पौधे किस प्रकार के हैं, ये वाटर में रहने वाले हैं कि लैंड पर रहने वाले हैं। अब वाटर भी कई टाइप्स का हो जाएगा, अगर समुद्रों महासागरों के साल्टी वाटर में रहते हैं तो मरीन इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे होंगे, अगर नदी, झील, तालाब, दलदल ये सब में रहते तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम। इस प्रकार से लैंड पर भी कई सारे इकोसिस्टम हैं। तो इंडिया की बात करें तो ट्राई ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इंडियन फॉरेस्ट कई टाइप्स के होते हैं, तो इस तरीके से फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी कई प्रकार के हो जाएगा, जैसे डिसिजुअस, स्क्रब लैंड, मैंग्रोव्स, कॉनिफरस एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं बट इंडिया में इतना ही है। इंडिया में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। डिजर्ट का नाम सुनते ही राजस्थान, गर्म स्थान, बालू ही बालू का ख्याल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजर्ट जो कि लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग वेस्टलैंड होता है एंड हिंदी में मीनिंग बेकार भूमि, मरा हुआ स्थल यानी मरुस्थल, मरुभूमि, रेगिस्तान ये सब हुआ। तो जहाँ पेड़ पौधे, जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते, पाए नहीं जाते, अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत ही कम संख्या में और कुछ ही प्रकार के, तो ऐसे स्थल को मरुस्थल, मरुभूमि, रेगिस्तान, वेस्टलैंड, डिजर्ट ये सब कहा जाता है। तो मरुस्थल कितने प्रकार का होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो किसी स्थल पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है या फिर बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, तो इन दोनों कंडीशन में जीवन संभव नहीं है। तो बहुत ज्यादा गर्म स्थल को गर्म मरुस्थल, हॉट डिजर्ट, यहाँ बालू ही बालू होता है, सैंड हिल्स पाए जाते हैं। हॉट डिजर्ट का एग्जाम्पल सहारा डिजर्ट ऑफ अफ्रीका है एंड भारत में थार डिजर्ट ऑफ राजस्थान है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा स्थल को शीत मरुस्थल, कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। यहाँ की स्थल बर्फ की चादरों से ढकी होती है, स्नोफॉल होता है। कोल्ड डिजर्ट की खास बात होती है ये ऊंचे स्थलों जैसे माउंटेन्स, हिल्स एंड अर्थ पोल पर पाए जाते हैं। कोल्ड डिजर्ट का एग्जाम्पल उत्तरी भारत में स्थित हिमालय पर्वत की श्रेणियां है जिसकी टेम्परेचर -29 डिग्री सेल्सियस तक भी चली जाती है। तो इंडिया में इसे ही हिमालय जोन एंड हिमालय के उस पार को ट्रांस हिमालय जोन में डिवाइड किया गया है, तो इसी जोन को इंडिया का कोल्ड डिजर्ट जोन कहा जाता है। कोल्ड डिजर्ट के टॉप लिस्ट में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, अलास्का, रशिया सब आते हैं जहां का ऑलवेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। डिजर्ट का एक और टाइप होता है साल्ट मार्स डिजर्ट। साल्ट मार्स डिजर्ट का निर्माण जब समुद्रों और महासागरों में सुनामी, बाढ़, तूफान आता है तो इसके साल्टी वाटर यहाँ के आसपास के स्थलों पर फैल जाते हैं। तत्पश्चात इन स्थलों पर मिट्टी का जगह नमक ही नमक के मोटे परत जमा हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी यहाँ जीवन संभव नहीं है, तो ये भी मरुस्थल या मरुभूमि ही हुआ लेकिन साल्ट के कारण।
तो इसलिए यह साल्ट मार्स डिजर्ट नमक दलदल मरुस्थल कहलाता है। यह कोस्टल एरिया यानी कि समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत का साल्ट मार्स डिजर्ट ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है। व्हाइट सैंड डिजर्ट, ब्लैक वोल्केनिक डिजर्ट। तो ये सब भी डिजर्ट है। तो डिजर्ट को बहुत सारे फैक्टर पे डिवाइड किया जाता है, बट एक्सट्रीमली डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन एंड क्लाइमेट पर। वैसे इन सब फैक्टर पे भी डिवाइड किया जाता है, जैसे एनुअल रेनिंग, अर्थ रीजन, कलर एंड मेड अप ऑफ, यानी कि ये डिजर्ट किस चीज से बना हुआ है। तो ये है फूडरी एंड मेडिसिनल गैलरी। इसमें विभिन्न प्रकार के दाल, अनाज, तेलों का सैंपल देखने को मिल जाता है। इसमें हजारों की संख्या में आयुर्वेदिक औषधीय सामग्री का कलेक्शन है। पुराने समय के छोटे मोटे घरेलू सामानों और बर्तनों का भी कलेक्शन है। ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के आर्टिफिशियल मॉडल हैं। साथ ही अलग अलग प्रकार के फसलों जैसे चाय, धान, कपास, नील की खेती, ये सब की शुरुआत कैसे हुई, इसका प्रोसेस क्या है, इन सब का स्टोरी फोरम में 3D विजुअलाइजेशन मॉडल देखने को मिल जाता है, जिसको देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। हमको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमको सिखा रही है? अरे नहीं नहीं, ये मैं समझा नहीं रहा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। अरे ये तो नींबू का अचार है। अरे नहीं नहीं, नींबू का अचार नहीं है, बल्कि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिन्हें आई थिंक फॉर्मेलिन में डुबा कर रखा गया है, ताकि ये लंबे समय तक ऐसे ही दिखते रहें, जल्दी खराब ना हो। और इधर अलग अलग टाइप्स के दालों और अनाजों का कलेक्शन है, जिन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इस गैलरी में एक भैया जी बैठे हुए मिल जाएंगे, जो आते समय तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जाते समय बोलेंगे ये गैलरी कैसा लगा, वो उसका एक्सपीरियंस है, जो इस नोट्स में लिखते हुए चाहिए। तो ये है मरीन फिश गैलरी। इसमें समुद्री मछलियों का आर्टिफिशियल मॉडल देखने को तो मिलता है ही, साथ ही मछलियों का डेड बॉडी का भी कलेक्शन है, जिसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला प्रिजर्वेटिव फ्लूइड फॉर्मेलिन में डुबा के रखा गया है, ताकि इन मछलियों का सेल डिस्ट्रॉय ना हो और ऐसे ही लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। तो इन सब मछलियों के बारे में हमें आर्टिकल्स एंड फैक्ट लिखा हुआ नहीं मिलता है, तो मैंने वेबसाइटों से कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट किए हैं, जिसे आप रीड कर सकते हैं। साफिस को कारपेंटर शार्क भी कहा जाता है। ये 7 मीटर लंबा होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। ये चोंच वाली मछली की तरह दिखते हैं, बट एक्चुअल चोंच नहीं होता है। ये इनका नोज एक्सटेंशन होता है, जिस पे शार्क ट्रांसवर्स टीथ लगा होता है, जो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं। इनका नीचे साइड में होता है नोस्ट्रियल गिल्स एंड माउथ, जिसमें हजारों नुकीले दांत होते हैं। बिलफिश, जिसका हिंदी अर्थ चोंच वाली मछली हुआ। इन मछलियों का चोंच किसी भाला और तलवार जैसे लंबे और नुकीले होते हैं, जिससे ये शिकार करते हैं। ज्यादातर बिलफिश का एवरेज लाइफ स्पेन 25 ईयर होता है। ये लेंथ में 2 से 4 मीटर एंड वेट में 50 से 500 केजी तक के होते हैं। एक बार 816 केजी का बिलफिश ब्लू मार्लिन पकड़ा गया था। मार्लिन, सेलफिश, स्पीयर फिश, स्वॉर्ड फिश, इन सब मछलियों को चोंच वाली मछली यानी कि बिलफिश कहा जाता है। द 12 स्पीसीज ऑफ ट्रू व्हेलफिश, यानी कि चोंच वाली मछली 12 प्रकार के होते हैं। ये आपको 12 तरह के देखने को मिल सकता है। तो इधर मिल जाता है एयर ब्रेथिंग फिश। तो ये मछलियाँ कुछ हद तक हवा में भी श्वसन करने में सक्षम होते हैं। ये हवा में श्वसन स्किन, लेब्रिंथ एंड स्विम ब्लाडर जैसे अंगों से करते हैं। एंड वाटर ब्रेथिंग के लिए तो इनके पास भी साधारण मछलियों की तरह गिल्स ही होते हैं। अब मछली कोई भी हो, गिल्स का होना एंड वाटर ब्रेथिंग का तो होना जरूरी है, अदरवाइज ये फिश के कैटेगरी में आएंगे ही नहीं। तो एयर ब्रेथिंग फिश को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट कैटेगरी एयर ब्रेथर एक्वेरिक फिश, जिसे और 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फैकल्टेटिव एयर ब्रेथिंग एक्वेरिक फिश एंड ऑब्लिगेट एयर ब्रेथिंग एक्वेरिक फिश में, एंड सेकंड कैटेगरी एयर ब्रेथर एम्फिबियस फिश। इसका एग्जांपल मड स्किपर्स, क्लाइंबिंग पर्च, वॉकिंग कैटफिश, एशियन स्टिंगिंग कैटफिश, स्नेक हेड मुरेल, लंग फिश एटसेट्रा। एंड एक्वेरियम फिश बेटा एंड गोरामे ऑब्लिगेट एयर ब्रेथिंग फिश के ही एग्जांपल हैं। इसे डोमेस्टिक आइटम गैलरी कहा जा सकता है। इस गैलरी में पुराने जमाने के कपड़ा, ड्रेस, फर्नीचर, किचन आइटम्स, वेपन्स एंड सेल्स और घर सजाने वाला आइटम्स, जो कि उस समय में पेंटिंग्स एंड मूर्तियां वगैरह हुआ करते थे, तो वही सब का कलेक्शन हमें इस गैलरी में देखने को मिलने वाला है। तो यह है प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉसल गैलरी। इसमें पौधों और जनवरों के लगभग 10,000 जीवाश्मों का कलेक्शन है, जो लगभग 48 से 408 मिलियन ईयर ओल्ड हैं, जिसका खनन इन सब जगहों से किया गया है, म्यांमार, साल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया में स्पीति, कश्मीर, पंजाब, रानीगंज, कोल्ड फील्ड ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड एटसेट्रा। तो वाट इज फॉसल, यानी कि जीवाश्म क्या है? हजारों वर्ष पहले का पशु या पौधा जो अब पत्थर बन चुका है, जीवाश्म कहलाता है। जनरली 10,000 साल से अधिक पुराने पशु या पौधा के अंश जीवाश्म कंसिडर किया जाता है। द ओल्डेस्ट फॉसल्स 3.48 बिलियंस टू 4.1 बिलियंस ईयर ओल्ड हैं।
कोई जीवाश्म कितना पुराना है इसका पता करने के लिए कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो ऑल गैलरीज देखने के बाद मैं इंडियन म्यूजियम के बाहर आ गया हूँ और आज है 12 अप्रैल 2022 यानी कि 137वां बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रखाल दास बनर्जी। तो इनके याद में गेट के सामने ही मेमोरियल बोर्ड देखने को मिल जाता है। रखाल दास बनर्जी वाज ए ग्रेट म्यूजियम एक्सपर्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ही इज नोन फॉर डिस्कवरिंग द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो इन 1922 AD।